साल 2005 में रिलीज हुई नो एंट्री को लेकर खबरें सामने आ रही हैं कि एक बार फिर से इस फिल्म का सीक्वल बनने जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि साल 2024 तक इस फिल्म का सीक्वल आपको बड़े पर्दे पर देखने को मिल जाएगा। इस फिल्म को लेकर कहा गया था कि इसका सीक्वल बनने जा रहा है जिसमें काफी ज्यादा हाई VFX होंगे, और इतना ही नहीं इस फिल्म में 10 नई एक्ट्रेसेस ने भी फिल्म में काम करने के लिए साइन कर दिया था। फिल्म का नाम उस वक्त नो एंट्री मेन एंट्री रखा गया था। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं बोनी कपूर और पैनोरमा स्टूडियो। सलमान खान, टी सीरीज, मुराद खेतानी ने इस फिल्म को लेकर ये कहा है कि फिल्म दिवाली और क्रिसमस के मौके पर रिलीज हो सकती है, और अगर दिवाली और क्रिसमस के मौके पर यह फिल्म रिलीज ना हो पाई तो जरूर इस वक्त पर फिल्म का ट्रेलर या टीजर रिलीज किया जाएगा और फिल्म को साल 2024 में रिपब्लिक डे के मौके पर बड़े पर्दे पर पेश किया जाएगा। बता दें कि इस फिल्म में अनिल कपूर, सलमान खान और फरदीन खान ट्रिपल रोल में इस बार नजर आने वाले हैं। खबरों की माने तो ये फिल्म काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है, कॉमेडी से भरपूर होने वाली है। इस फिल्म में आपको दमदार एक्शन भी देखने को मिलेगा और कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलेगा और रोमांस भी देखने को मिलेगा। फिलहाल आप कमेंट करके बताइए कि नो एंट्री के सीक्वल के लिए आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं।